अब इस विरासत आप जो है अपनी अपनी मनमानी के आधार पर एक हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पर आप जो यहाँ पर लागू करना चाहते हैं, जैसे प्रकाश अम्बेडकर भाई ने कहा, इसका मतलब है सिर्फ मनवाद को लागू करने वाली बात। अगर उस तरह की एक बात आप लगा करना चाहते हो तो जो हिंदुस्तान जो भारत जिसमें हम पैदा हुए वो भारत बचने तो आज इसलिए मैं कह रहा था सिर्फ एक चुनाव की बात नहीं, ये एक हमारी विरासत अपने मुल्क को बचाने की बात। अगर मुल्क बचेगी तो चुनाव के अंदर जो मुल्क को बर्बाद करने वाले हैं उनकी भी हार होगी और वो हार हम सबको मिलकर देश के सिपाही के रूप में वो निश्चित करना होगा आज के दिन, वरना इस शांति विरासत को हम बचा नहीं पाए। प्रधानमंत्री साहब के बारे में और नारों के बारे में आपने बहुत कुछ सुना, राहुल जी भी बोल रहे थे, आपको याद होगा एक बहुत प्रसिद्ध फिल्म मेकर थे जो सिनेमा बनाते थे मनमोहन देसाई साहब, हमारे उनकी थी, उनके कई सारे फिल्में जो बनाते थे वो बड़े फिट होते थे। उनसे आगे दिनों में किसी ने पूछा कि भाई आपका राज क्या है, सब फिल्म आप इतने बड़े हिट होते आपका राज क्या है, तो उन्होंने जवाब मुझे कहा कि देखो एक ही बात, अगर फिल्म को आप मतलब हिट हो रहा है और वो क्या उसका क्या है भाई पास, यानी जिस समय लोग आते हैं फिल्म देखने और जिस समय तक फिल्म खत्म नहीं होती लोगों को सोचने मत, अगर लोग सोचने लगेंगे तो फिल्म जो है कामयाब नहीं होगी, लोगों की सोच बदल दो। प्रधानमंत्री का भी लॉजिक वही है, हर दिन एक एक नारा, हर दिन एक एक नारा, हर दिन एक एक नारा, पुराने नारे का क्या हुआ भाई, आज जो एक यूपी मुख्यमंत्री कहते हैं गंदगी है गोरखपुर में उस वजह से हवा में बच्चे जो है मर गए, स्वच्छ भारत क्या हो गया तीन साल से अगर गंदगी है गोरखपुर में, आप ही तो थे वहां से सांसद 20 साल से, ये सवाल पूछने का वक्त नहीं है क्योंकि एक और नारा आ जाता है, एक और संकल्प आ जाता है, यानी लोगों को सोचने मत दो। अब इस तरीके से वो अपनी विचारधारा और अपनी साजिश को वो लागू करवाते ही जा रहे हैं, तो इसका मुकाबला हमें आपको और हम सबको करने की जरूरत है। ये सिर्फ चुनाव से चलते में नहीं होगी, ये होगी जमीन पर आंदोलन के आधार पर, जमीन पर आप और हम सब मिलकर जिस तरीके की बातें जो हो रही है, जिस तरीके की घटनाएं जो हो रही है, जिस तरीके के हमले हो रहे हैं दलितों पे अपने नेतृत्व पे, उसके खिलाफ अगर जमीन पर उतर कर हम नहीं करेंगे तो किस साझी विरासत को बचा लेगा। तो आज दोस्तों मेरा एक ही मतलब आपसे निवेदन कि यहाँ पर जब ये गंगा जमुना की तहजीब की बात हम देखें, इसी के साथ साथ इस खतरों को भी हमें ध्यान में रखना है कि उनको इस हिंदू पाकिस्तान बनाने की साजिश को कैसे लागू करना है। आज फिर इंदिरा गांधी की इमरजेंसी को याद दिला देते हमारे प्रधानमंत्री, कहते कि फिर वापस नहीं आना चाहिए उस तरीके की परिस्थिति, लेकिन किया क्या, चुने हुए मुख्यमंत्री होंगी जो स्वतंत्रता दिवस पर रेडियो टेलीविजन पर जो भाषण देते हैं उसको रिकॉर्ड कर लिया, हमारे त्रिपुरा के मुख्यमंत्री जो सीपीएम से है रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन दिल्ली को भेजा उसका स्क्रिप्ट, दिल्ली ने कहा कि ये ठीक नहीं है तो वो रिकॉर्ड करके उसको दिखाया, यानी ये तय करेंगे चुने हुए मुख्यमंत्री, लोगों ने वोट डाला, अगर वो कुछ गलत बोलते हैं कि असेंबली में उनकी पिछाई होगी, जैसे प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं राजनीति पे तो उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं रख सकता, उनको हम पीछे के पाबंदी अगर उन्होंने गलत कुछ बोला, लेकिन अब ये तय करेंगे कौन सा मुख्यमंत्री क्या बोल सकता है। अब इस तरीके के इंतजार जो आज उभरते हुए आ रहे हैं और उसी के साथ हम सब पे हमला, अभी अभी आधे घंटे पहले एक रिपोर्ट आई काली दल के बारे में और वो रिपोर्ट बताया कि 2011 में कितना काला दल था, आज 2017 में वो काला दल का संख्या वो जब 15,000 करोड़ उस काला दल था 2011 में, अब जो है वो बढ़कर 15,500 करोड़, यानी पूरा नोटबंदी करके हम काला दल को रोक रहे हैं, इसका मतलब क्या है, सरकारी रिपोर्ट है, काला दल ये नोटबंदी के करते हुए काला दल को सफेद बनाया, जो आपके काउंटरफिट करेंसी है नकली नोट है उस नकली नोटों को असली बना दिया और कहते भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे,
लड़ रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ और आप काम कर रहे हो काला धन को सफेद बना दीजिए, नकली नोटों को सही बना दीजिए। अरे सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो यही है जहाँ से आपको 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 मतलब साधन मिल रहे हैं। नौजवान रोजगार के लिए तरफ रहा, सुना आपने, आपके लिए हमारे साथ ही पहले 2 करोड़ हर साल नौकरियां की सृष्टि की वादा, लेकिन अब रोजगार घट रही है। हमारे अन्नदाता किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, वो आत्महत्याओं की संख्या अभी भी बढ़ रही है। वादा किया कि न्यूनतम दाम हम देंगे आपके कर्जे के 1.5 गुना ज्यादा, 3 साल हो गए वो नहीं हुआ, कर्जे में डूब कर किसान मर रहा। असली भारत की हालत ये है, 2 भारतों का निर्माण हो रहा, एक चमकता हुआ भारत धनी लोगों के लिए और एक तरसता हुआ भारत पूरे बाकी हम सब के लिए, बाकी जनता के लिए। ये असली हालत है हमारे भारत की। हमारे भारत महान की बात कहते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं ये गुलशिता हमारा। अरे बुलबुलों के रंग प्रधानमंत्री महोदय आरएसएस बीजेपी सब लिए कई रंग के पक्षी होंगे गुलिस्तान में, कई रंग के फूल होंगे गुलिस्तान में, अगर वो सब इकट्ठा वो पैदा नहीं होते और जिंदा नहीं रहते तो गुलिस्तान बचेगा नहीं। इस गुलिस्तान को बर्बाद करने वाली ये नीतियां जो हमारी साझा विरासत को आज बर्बाद कर रही है, इसको खिलाफ हम सबको लाभ होने की जरूरत, जो हमारी साझा विरासत को आज बर्बाद कर रही है इसको खिलाफ हम सबको लाभ होने की जरूरत। हमारे आग्रह ये राजनीतिक बातें विचारधारा है वो सब अलग, आज सिर्फ एक ही नारा देना होगा और वो नारा है आज अपने भारत को बचाना होगा। सिर्फ यही नारा होगा कि हमारे भारत को बचाओ, हमारे साथी विरासत को बचाओ, वरना इस मुल्क का कोई भविष्य नहीं। ये ले जाना चाहते हैं अपने देश को भूत के अंधेरे में, हम लोग सब ले जाने चाहते हैं अपने देश को भविष्य के उजाले में। ये है असली कथा, भूत का अंधेरा या भविष्य का उजाला, और उस भविष्य के उजाले में जाने के लिए शांति विरासत की जरूरत। एक बार आखिर मैं लोग नई पार्टी की तरफ, हमारी पार्टी ऐसी पार्टी है जहाँ पर हमारे कई सर इसी तरीके के दुश्मनों ने हमारे कॉमरेडों की को शहीद बनाते, एक उदाहरण में देना चाहता हूँ ताकि ये समझे कि हम सिपाही रहेंगे और लड़ते रहेंगे और आपका साथ देते रहेंगे। एक हमारा सविता सब कई साल पहले उसकी मौत हो गई थी, बड़े जैसे पता नहीं था काम था, 1 महीने बाद उसकी शरीर के टुकड़े जो है कुएं के अंदर एक बैग में लपेटे हुए वो वहां पे फेंका गया था, वो मिला निकला। जब पहचान हुई डॉक्टरों की तरफ से कि ये वही है, तब क्या नारा दिया था, हमारे साथियों के जिसम टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं लेकिन इस मुल्क को टुकड़े टुकड़े नहीं होने देंगे, और ये हमारी कसम और ये हमारी संकल्प, ये हमारी हर समय रहेगी। तो आइए दोस्तों, और शरद भाई को मैं यही कहना चाहूँगा, बड़ी लंबी हमारी सरकारी रही है, 40 साल हो गए उससे भी ज़्यादा, छात्र नौजवान आंदोलन के समय से, और इन्होंने जो आज ये इनिशिएटिव किया हम सब उनके साथ हैं। आज के दिन अगर इस सांस्कृतिक विरासत को बचाना है, उस जन समूह के लड़ाई के सूत्रधार शरद यादव जी रहेंगे और उनको उनको ये काम पूरा करना होगा, और ये जो करेंगे आज होनी चाहिए। इसी बात से आप सबको मैं जय हिंद जय जय भीम ने बात करूंगा।